हेलो दोस्तों, शिक्षा जॉब्स एंड स्कीम्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो जॉब्स के रिगार्डिंग रहने वाला है। इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट जॉब ओपनिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जॉब अपॉर्चुनिटी जो अवेलेबल है अभी, और उसके बारे में डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कौन सी वैकेंसीज़ कहाँ पर निकली हुई हैं, कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो है वन बाय वन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महिला एवं बाल विकास विभाग, जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो होता है, उसके अंदर ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो ये जो वैकेंसीज हैं, इसको अगर हम इंग्लिश में कहें तो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर कोऑर्डिनेटर DPC की वैकेंसीज हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 8 वैकेंसीज हैं। उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर असिस्टेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम असिस्टेंट की यहाँ पे टोटल 10 वैकेंसीज हैं। और जो सैलरी है, जो फर्स्ट पोस्ट है यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर DPC के लिए, ₹35,000 पर मंथ आपको इसमें दिए जाएंगे। और जो सेकेंड है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम असिस्टेंट के लिए, जो सैलरी है यहाँ पे ₹20,000 आपको जो है इसमें मिलने वाली है। और ये जो दोनों ही वैकेंसीज हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत जो है अभी इनको फिल किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसीज हैं। 1 साल का आपका टाइम पीरियड है जो कि फर्दर एक्सटेंड हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। तो इसके लिए जो असेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि क्या क्या असेंशियल क्वालिफ़िकेशन है और कब तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम अप्लाई करने की जो बात करें तो 22 जून से ये फॉर्म जो है फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं, और इसकी जो अंतिम डेट है या जो लास्ट डेट है वो है 11/7/2020 है। अप्लाई आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये जो है लिंक है ऑनलाइन अप्लाई करने का, URL एड्रेस है जो कि है CAMS.WCDDEL.IN पे जाके आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट है इसमें 35 साल तक के कैंडिडेट जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो असेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात अगर हम करें तो वो है कि जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है, जो फर्स्ट पोस्ट है, उसके लिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पे प्रेफरेबली बोला हुआ है, सोशल साइंसेज में, लाइफ साइंस में, न्यूट्रिशन, मेडिसिन, हेल्थ मैनेजमेंट, सोशल वर्क और रूरल मैनेजमेंट, इन किसी में से भी एक फील्ड में अगर आपने किया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस भी इसमें जो है मांगा हुआ है, 1 साल का जो है एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। MS ऑफिस आपको जो है की नॉलेज होनी चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश की जो है दोनों लैंग्वेज की भी आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड जो पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम असिस्टेंट की, इसमें जो है ग्रेजुएट मांगा गया है सोशल साइंसेज में, सोशल वर्क में, रूरल मैनेजमेंट स्टैटिस्टिक्स में। इसके लिए भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। MS ऑफिस और डाटा एंट्री की आपको नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश की भी आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं की गई है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो दी गई वेबसाइट है उस पे जाके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी पोस्ट है, सैलरी की अगर हम बात करें तो अच्छी खासी सैलरी है, और डिपार्टमेंट भी अच्छा है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली के अंतर्गत ये जो है डिपार्टमेंट आता है। और जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो स्कीम है उसके अंतर्गत जो है ये 1 साल के लिए ये अभी रिक्रूटमेंट होनी है। तो इसके लिए आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी जो क्वालिफिकेशंस मैच करती हैं इस जॉब के रिगार्डिंग, तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और इसमें जो है आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। सबसे पहले आपको इसमें अप्लाई करना है ऑनलाइन, उसके बाद जो है शॉर्ट लिस्ट आपको किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो वेबसाइट्स के ऊपर डाल दी जाएगी। फर्दर उन कैंडिडेट्स को जो है फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा थ्रू ईमेल ओनली, और नो इंटरव्यू लेटर्स विल बी सेंड, कोई इंटरव्यू लेटर्स आपको नहीं भेजा जाएगा, खाली ईमेल आएगी आपके पास, ईमेल पे ही आपको जो इंटरव्यू की इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी।
तो ये बेसिक डिटेल्स हैं इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही इस तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अगर पाना चाहते हैं शिक्षा से जुड़ी हुई, जॉब्स से जुड़ी हुई, या फिर जो स्कीम्स आती रहती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या अदर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, समय समय पर बहुत सारी स्कीम्स आती रहती हैं, तो इन के लिए अगर आप अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही, एक ऐसे ही नए वीडियो नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।